ये शेख साहब हैं कहते हैं कि मेरा बेटा कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत खौफज़दा हो गया है ना अपने कमरे से बाहर आता है ना ही मास्क उतारता है कोई वजीफ़ा बताएं बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आप ही ने खौफजदा किया होगा उसको आप ही ने कहा होगा बेटा ये हो गया बेटा वो हो गया तो बच्चे ने तो माँ बाप की सुनी होगी ना आपने अपने दीन ईमान कमज़ोर कर लिए होंगे बेटा मस्जिदें बंद होगी मस्जिदें जाए छोड़ दो मस्जिदों में भी बेटा ये कर लो और वो कर लो तो आप ने सबक सारे दिए होंगे और उसके ऊपर नस्याती असरदारी हो गया ये जो है ये सब जो है ना ईमान यकीन की कमज़ोरियाँ अल्लाह पर ईमान यकीन मज़बूत रखें और फिर मैं तो कहता हूँ कि जब इस पेंडेमिक ने तो सब जराए फ़ेल कर दिए मेडिकल साइंस फ़ेल हो गई अमरीका जैसा सुपर पावर उसके सामने ढेर हो गया तो इससे तो बचाना ही अल्लाह ने है जब जब अल्लाह नहीं बचाए तो अल्लाह के घर क्यों बंद करें फिर अल्लाह के सामने हम सजदा सचदारे क्यों ना हो अल्लाह ही से क्यों ना मांगें तो उस बच्चे का ईमान यकीन आप यही बनाते बेटा छोड़ें अल्लाह को देखो बस अल्लाह से मांगो अल्लाह ही बचाने वाले हैं क्योंकि ये सारी दुनिया फेल हो गई है सारी अमेरिका यूरोप की तरक्यां ढेर हो गई इसके सामने कोई कुछ नहीं कर सका जब का बचाना ही अल्लाह ने करना ही अल्लाह ने है यानी वो इटली जिस इटली के अंदर जब लाखों लोग मरे उन्होंने तो एक मुजस्मा बना दिया जिसकी उंगली आसमान की तरफ यूँ उठाई हुई है तो गोया कि वो अल्लाह इसे मदद का इशारा कर रहा है वो मुस्तकिल भाई अल्लाह आप ही करना है और वह आपने नजारे देखो कि सईदे में सारी कौमगिरी हुई है और ख़ुदा को पुकार रो 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 के पुकार रही है तो जब अल्लाह ही से होना है तो फिर अल्लाह का दामन क्यों छोड़ें आपने बच्चे का ईमान ये खुद ही कमज़ोर किया होगा भारत लेकिन उस पर नफ्सिया असर हो गया अब उससे बचने का तरीका यह है कि सुरो कुरेश सर व सात मरतबा उसके खाने पीने में दम करके दे। और जब मौका लगे सात मरतबा पड़ के उसके कानों में तीन मरतबा ज़ोर जोर से फूंक दिया करें यह अमल शुरू कर दें और ये इक्कीस दिन कर लें इन उसका खौफ निकल जाएगा